हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके वर्किंग के बारे में, उसका डोज क्या होता है, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डेवलप होते हैं और किस तरह से ये मेडिकेशंस को अलग अलग मेडिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है, सभी के बारे में जानेंगे ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो जेंटामाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, तो ये इंजेक्शन को किस तरह से प्रॉपरली यूज़ किया करना चाहिए तो सीखते हैं डिटेल में ये लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी एक्सेस कर पाएंगे फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर, कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर के PDF, PPTs और वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाएंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो दवाइयों की जानकारी आपको मिलेगी सरल भाषा में, तो ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए मेडिसिन रिलेटेड कोर्स। कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स ज्वाइनिंग। तो अब समझते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो जेंटामाइसिन जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो कहा जाता है। तो उसके अंदर जो मेन जो सॉल्ट कंपोजिशन जो है जेंटामाइसिन है, तो वो एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग। और ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन है कि जो अलग अलग बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आपके माइंड में सवाल ये होगा कि जेंटामाइसिन क्या है। तो जेंटामाइसिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है और सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर्ड। सिस्टेमेटिकली मतलब कि ऐसे मेडिकेशंस की जो डायरेक्टली आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में जाते हैं, मतलब कि ये मेडिकेशंस आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँचती है। तो ये मेडिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है पेरेंट्रली, कि जब आप उसको पेरेंट्रली इंट्रावेनसली देते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसके टैबलेट या ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है, खासकर उसके आई ड्रॉप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं कि जो कई बार अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे समझो कि आँखों में हो रहे हैं, ईयर इन्फेक्शन हो रहे, तो उसके लिए भी कई बार जेंटामाइसिन के आई ड्रॉप्स एंड ईयर ड्रॉप्स वगैरह भी आते हैं। बट स्पेशली जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसके इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो इफ़ेक्टिवनेस उसकी हम कहें तो पेरेंट्रली उसकी ज़्यादा है। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है कि जिसकी पोटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हायर पोटेंसी के कारण, और साथों साथ उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मतलब कि बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ किया जाती है, कि जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम देखें तो इसेरिसिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में हम ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होने वाले जितने भी अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन यूज़ किया जाता है, बिकॉज उसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी है ई कोलाई के सामने। उसी तरह से दूसरे हम देखें तो जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। एंटेरोबैक्टर के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के लिए, प्रोटियस बैक्टीरिया, सेराटिया है, और सीडोमोनास के जो अलग अलग स्पीसीज उसमें भी सीडोमोनास एरिगिनोसा जो है, ब्रूसेला बैक्टीरिया है, कैम्पाइलोबैक्टर है, सिट्रोबैक्टर है, फ्रांसिसेला है, यर्सिनिया है, स्ट्रेपाइलोकोकस ओरियस जो हम कहते हैं, और दूसरे हम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस। तो ये सभी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिस्टेरिया, तो ये सभी के सामने जेंटामाइसिन की जो इफ़ेक्टिवनेस है हमें देखने को मिलती है। तो उसके हम यूज़ देखें तो जो अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो अलग अलग बैक्टीरिया देखे तो उनके कारण अलग अलग जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें एक पॉपुलर है एब्डोमिनल इन्फेक्शन, कि हमारे एब्डोमिनल की जो स्टमक एरिया है वहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। फिर जो हम बात कहते हैं मेनिंजाइटिस,
तो मेनिनजाइटिस के अंदर हमने सीखा था कि डिटेल वीडियो लेक्चर भी मेनिनजाइटिस के ऊपर अवेलेबल है। तो उसके अंदर हमने जाना था कि ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला इन्फेक्शन है, और स्पेशली उसके अंदर जो हमारे ब्रेन के अलग अलग जो लेयर्स होते हैं जिसको हम मेनिनजिस कहते हैं, वहाँ पे सूजन होती है, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो सूजन देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं यूटीआईस, तो यूटीआई में भी जब आप पेरेंट्रली कोई मेडिकेशंस के ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस हुआ है, न्यूमोनिया जो हम कहते हैं लंग इन्फेक्शन है, तो जितने भी अलग अलग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के वहाँ पे समझो कि एयरवेज का ब्लॉकेज होना या फिर वहाँ पे सूजन होना, टाइटनिंग होना, तो सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है कि स्पेशली बैक्टीरिया के कारण होने वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ये ट्रीट करेगा। फिर जब आपके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके भी इलाज में यूज़ किया जाता है। फिर जो हमारे बॉन्स और जॉइंट की जो हड्डियों और उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर समझे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी ये यूज़फुल है। और जब स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर जो पीआईडी की हम बात करते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिसीज़ जो हम कहते हैं, तो उसके इलाज में भी क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में जेंटामाइसिन जो है वो यूज़ किया जाता है। कि कॉम्बिनेशन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि जो पीआईडी की जो हम बात करते हैं कि जिसमें स्पेशली यूटेरस के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिले या फिर ओवेरिस के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिले, कि जिसके कारण जो पेशेंट को काफ़ी पेल्विक पेन रहता है, तो पीआईडी के इलाज में क्लिंडामाइसिन के साथ ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में। फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं कि ऑपरेशन के बाद समझो कि कई बार कुछ लोगों को यूटीआई हो जाता है, तो उसके प्रिवेंशन में भी ये मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। फिर सेप्टिसेमिया की जो हम कंडीशन कहते हैं कि जो एब्डोमिनल आपको सेप्सिस हो चुका है, तो उसके इलाज में भी यूज़फुल है। मिडल ईयर इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें खासकर आप देखना जेंटामाइसिन के ईयर ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फिर ऐसे बी की कंडीशन की जिसको कहा जाता है सब एक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस और पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनियास, तो ये सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। कि यहाँ पे आप देखो कि पीआईडी के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, ओवेरिस के अंदर के ये साइड देखो ये सेल ओवेरी की नॉर्मल है, बट ये वाली साइड आप देखो तो वहाँ पे काफ़ी सूजन देखने को मिल रहा है। इवन आप देखो फेलोपियन ट्यूब भी ये साइड नॉर्मल है जबकि ये साइड काफ़ी सूजन देखने को मिल रही है। उसी तरह से यूटेरस में भी अंदर जो है वो सूजन देखने को मिलती है कि जिसको कहते हैं पीआईडी डिसीज़। तो पीआईडी के इलाज में भी ये इंजेक्शन यूज़फुल है, एज वेल एज़ जो एंडोकार्डिटिस के जो हमारे वाल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर, तो वाल्व के आसपास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है कि जिसको एंडोकार्डिटिस कहा जाता है, कि फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वाल्व के आसपास जो है वो सूजन देखने को मिलती है, तो वो कंडीशन के ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। अब बात करें उसके डोज की, तो जो डोज है वो आप खास याद रखो कि 3 से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जैसे कि समझो कि पेशेंट का जो वेट है वो समझो कि हम कंसिडर करें कि 50 किलोग्राम है, और उसके लिए हम रखते हैं मिनिमम डोज कि समझो कि नक्की करते हैं हम 3 mg उसको देना है मिनिमम डोज में पर किलोग्राम। तब उसका वेट 50 किलोग्राम है तो डोज कितना होगा, तो समझो कि वेट है 1 किलोग्राम तो उसके लिए डोज है 3 mg, तो वेट समझो कि 50 किलोग्राम होगा पेशेंट का तो उसके लिए कितना डोज देना है, तो सिंपल इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 × 3 = 150 mg पर डे। तो ये हो गया, आपने डोज कैलकुलेट कर लिया कि समझो कि पेशेंट का वेट आपका था 50 किलोग्राम और आपने मिनिमम डोज सिलेक्ट किया है 3 mg, तो उसके लिए जो मैक्सिमम डोज हो गया मिनिमम डोज हो गया 150 मिलीग्राम और मैक्सिमम में आपको इनटू 5 करना होगा,
तो मैक्सिमम डोज हो जाएगा उसके लिए 250 मिलीग्राम। तो ये डोज के बीच में आप उसको दे सकते हैं पर डे की, एक दिन में आप इतना डोज जो है वो पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि सिंगल डोज भी दिया जाता है ये डायरेक्टली, या फिर उसके मल्टीपल आप 3 डोज भी कर सकते हैं, कि जैसे कि यूज़ एज अ सिंगल डोज, कि ये 150 मिलीग्राम या फिर 250 मिलीग्राम आप एक ही बार उसको एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर 3 डिवाइडेड डोज के अंदर, कि जैसे आपने 150 मिलीग्राम काउंट किया तो 150 मिलीग्राम के आप 3 डिवाइड कर देंगे, कि 50 mg, 50 mg एंड 50 mg, और एटलीस्ट 6 से 8 घंटे के टाइम इंटरवल के अंदर ये आप जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, कि हर एक डोज के बीच में एटलीस्ट आप 6 से लेकर 8 घंटे का डिफरेंस रख के जो है वो पेशेंट को डोज डिलीवर कर सकते हैं। तो जो उसके इंजेक्शन होते हैं वो इस तरह से आते हैं, देखो कि आप 2 ml जितना मेडिकेशन इंजेक्ट करो तो उसके अंदर ड्रग होता है 80 mg, और 1 ml जितना इंजेक्ट करो तो 40 mg जितना ड्रग जो है वो पेशेंट को जाएगा। तो इस तरह से आप जो ये इंजेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो इंट्रा मस्कुलर भी दिया जाता है और इंट्रावेनसली दोनों रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है। 30 से 60 मिनट तक धीरे धीरे मेडिकेशंस रिलीज हो उस तरह से उसको दिया जाता है। और समझो कि आप IV यूज़ करते हैं, इंट्रावेनसली जब देते हैं तो डाइल्यूशन करना जरूरी है, इसलिए खासकर IV इन्फ्यूशंस के साथ ही इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, कि जब आप वेन के अंदर देते हैं इंजेक्शन तो कभी भी डायरेक्टली इंजेक्शन ना लगाए, ये ख्याल रखें कि मस्ट बी डाइल्यूटेड। इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्रॉपर ये नॉलेज जो है वो होनी चाहिए कि जब इंट्रावेनसली यूज़ होता है तो उसको डाइल्यूट जरूर से करें। डायरेक्टली ये कॉन्सेंट्रेटेड आप IV में यूज़ करोगे तो पेशेंट को जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी अचानक से हो सकती है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और हायर डोज में कभी भी यूज़ ना करें, सबसे पहले ये मिनिमम डोज से ही शुरुआत करनी चाहिए, कि जो है 3 mg/kg, और ज़रूरत पड़ने पर ही डोज बढ़ाएं। और ख़ास करिए कि डिवाइडेड डोज में आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि एक ही पर डे का डोज एक ही दिन में एक ही टाइम पे देने के बजाय वो डोज जो है वो आप डिवाइड करके दे, किसी कि अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि 150 मिलीग्राम जो आपको देना है एक दिन के अंदर, तो ऐसा नहीं कि 150 मिलीग्राम एक ही टाइम पे दे दे, उसको डिवाइड कर लो 50 mg/3 के अंदर, तो 3 टाइम आप 50 mg जितना मेडिकेशंस पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, और वो भी 6 से लेकर 8 घंटे के टाइम इंटरवल पर, कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, और साइड इफ़ेक्ट हो तो आप उसको जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, और दूसरा मेडिकेशन ट्राई कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। अब जाने कि उसके वर्किंग किस तरह से, कि ये मेडिकेशन किस तरह से काम करता है, तो वर्किंग उसका ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन है, जैसे हमने समझा, तो ये क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, और ऐसे बैक्टीरिया को किल करता है कि जैसे कि आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोसेस होती रहती है, कि जिसको कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये मेडिकेशन इनहिबिट कर देती है ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, और स्पेशली ये जो है वो 30S सब यूनिट होते हैं जो रिबोसोम्स के, कि हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रिबोसोम्स के अंदर होती है। तो रिबोसोम्स के जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जिसमें ये 30S जो यूनिट होता है उससे जो है वो बाइंड होके, यहाँ पे आप देखो कि जो कि MSTRNA का जो ट्रांसफरेज साइट है वहाँ पे ये हमारा इंजेक्शन जेंटामाइसिन जो है वो काम करता है, और यहाँ पे जो है उसके जो बाइंडिंग है वो इनहिबिट कर देता है, कि जिससे प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने के कारण आगे जाके वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, और धीरे धीरे वो किल होते जाते हैं, और जिस तरह से हमारी ये मेडिकेशन अपना काम करती है। तो खास ये याद रखना है कि जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के एंटीबायोटिक होते हैं वो सभी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को अटकाते हैं, और कहाँ पे, तो 30S सब यूनिट पे ये प्रोसेस को जो है वो अटका देते हैं, कि जिससे आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता बैक्टीरिया के अंदर,
और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने के कारण वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अब ये मेडिकेशन के साइड इफेक्ट समझे तो सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट आप समझो कि जो नॉर्मल है, जैसे कि नौजिया एंड वॉमिटिंग होना, तो वो कई बार कॉमन साइड इफेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। कुछ लोगों को उसके कारण डायरिया हो जाता है, फिर और डिक्रीज एपिटाइट, मतलब कि आपकी भूख जो है वो कम हो सकती है, और जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, फिर हेडेक मतलब कि सर दर्द होना, फीवर होना एंड जॉइंट पेन होता। तो ये उसके कॉमन साइड इफेक्ट है, इतने सीरियस साइड इफेक्ट हम नहीं कह सकते। बट जो उसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट है कि अगर कोई पर्सन हाई डोज में यूज़ करता है और लंबे समय तक हाई डोज में यूज़ किया जाता है, तो जेंटामाइसिन जो है वो कुछ सीरियस साइड इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम, कि कान में जो सुनाई कम दे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बैलेंसिंग प्रॉब्लम कि उसके कारण आपको चक्कर आ जाए, ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो, या फिर स्पिनिंग जैसा आप फील करें, हियरिंग में आपको प्रॉब्लम हो, तो ये साइड इफेक्ट डेवलप होती है इसके कारण, कि जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है ऑटोटॉक्सिसिटी। फिर दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, आपके किडनी को ये डैमेज करती है ये मेडिकेशन, कि जिससे जो किडनी के जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि जेंटामाइसिन लंबे समय तक यूज़ करना सही नहीं रहता, और हायर डोज में तो कभी भी नहीं, नॉर्मल जो उसके प्रिस्क्राइब डोज है वो भी लिमिटेड समय के लिए ही यूज़ करना चाहिए, कि जिससे ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तीसरा हम देखें तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल जो है हमारे, उसके काउंट जो है वो कम हो जाना, कि जिसको मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया, कि WBC जो होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल, उनकी मात्रा कम हो जाती है। फिर हम देखें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, कि जिसके अंदर जो प्लेटलेट होते हैं उसके काउंट जो है वो कम हो जाते हैं, कि लंबे समय तक समझो कि कोई पर्सन जेंटामाइसिन यूज़ करता है तो उसके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसके कारण फ्लेबाइटिस हो सकता है, बिकॉज प्लेटलेट कम हो जाने के कारण ब्लड क्लोटिंग के ऊपर असर पड़ता है, बिकॉज प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, और ब्लड क्लोट अच्छे से ना हो जाने के कारण तो वेन्स के अंदर जो ब्लड क्लोट हो जाता है उसके कारण यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि इन्फ्लेमेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलती है वेन के अंदर। तो कुछ केसेस के अंदर प्लेटलेट कम हो जाना, कि जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या फिर कुछ केसेस के अंदर फ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कुछ लोगों को देखने को मिलती है, कि अगर आप उनको एमिनोग्लाइकोसाइड या फिर उनके जैसे जितने भी एंटीबायोटिक्स है उनकी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं उनसे, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, हीमोलाइटिक एनेमिया हो सकता है, एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जैसे सीरियस साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं जेंटामाइसिन के कारण। अब समझे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के कुछ लोगों को इसको यूज़ नहीं करनी, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ नहीं करना है, और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस और प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर ये आ जाता है कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में, मतलब कि यूज़ नहीं करनी है ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये अनसेफ है। दूसरा कि ऐसे पेशेंट के जिनका रीनल फेलियर है, कि ऑलरेडी उनके किडनी ख़राब है, तो जैसे अभी हमने साइड इफ़ेक्ट देखा कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकती है, तो जिनकी किडनी ऑलरेडी ख़राब है या फिर किडनी डैमेज वाले पेशेंट है, तो उनको ये नहीं देनी चाहिए। तो पेशेंट काउंसलिंग होना खास ज़रूरी है, कि जब भी जेंटामाइसिन यूज़ किया जाता है या फिर आपको समझो कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपको आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को बताना चाहिए, कि जिससे वो जो है वो दूसरा सेफ मेडिकेशन आपको सजेस्ट करें। फिर प्रेगनेंसी के अंदर लेने से क्या हो सकता है, कि जो फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आती है विथ अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग, कि समझो कि आप फ्यूरोसेमाइड के साथ यूज़ करें या फिर मिनोसाइक्लिन के साथ यूज़ करें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कभी भी फ्यूरोसेमाइड या फिर मिनोसाइक्लिन के साथ यूज़ ना करें। फिर
नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे कि वेनाकोमाइसिन जो है और सिसप्लेटिन, उसके साथ भी कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए जेंटामाइसिन का। फिर जो उम्र वाले पेशेंट हैं, एल्डरली पेशेंट्स है और ख़ास करके जिनके किडनी रिलेटेड डिसीजेज है, उनको भी ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। फिर जो मसल्स रिलैक्सेंस ड्रग आती है उनके साथ भी प्रॉपर कोशन के साथ यूज़ किया जाता है, और कभी भी इंजेक्शन देते समय सेम सिरिंज के अंदर दूसरी ड्रग को मिक्स ना करें। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिरिंज के अंदर दो या तीन इंजेक्शन को मिक्स किया जाता है, बट जेंटामाइसिन के अंदर के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंजेक्शन सिंगल ही देना चाहिए बिना किसी दूसरे मेडिकेशंस को मिक्स किए हुए। और ख़ास ध्यान रखें कि जब आईवी में यूज़ करते हैं तो उसका डायल्यूशन करना ज़रूरी है, तो खासकर उसको इन्फ्यूज़न के थ्रू ही देना सही रहेगा, और वो भी स्लो आईवी इन्फ्यूज़न जो हम कहते हैं उसके थ्रू जो है वो आप इंट्रावेनसली यूज़ कर सकते। तो ये थी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जेंटामाइसिन इंजेक्शन की। तो ऐसे और डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए डाउनलोड करिए फार्मारोक्स के ऐप की, जहाँ पे हमारे लेक्चर्स के वीडियो अटेंड कर पाओगे, वही लेक्चर्स के PDF एंड PPTs फाइल भी आप एक्सेस कर पाओगे, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो डाउनलोड करिए ये ऐप फार्मारोक्स के। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो स्टडी मटेरियल के लिए कॉल करें या फिर ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9016312020। डाउनलोड कर सकते हैं आप फार्मारोक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।